हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अमेरिकन चॉपसी। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन कटा हुआ, पनीर, विनेगर, नूडल्स, शेजवान चटनी, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, टमाटो सॉस। पनीर को मैंने ऐसे कट कर लिया है। ये देखिए, कैबेज की एक एक लीफ हटाकर मैंने उसको लंबाई में चॉप्ड कर लिया है। शिमला मिर्च को मैंने चौकोर पीस में काट लिया है। दो से तीन प्याज लेकर एक प्याज के चार चार पीस कर लीजिए। देखिए, गार्लिक के मैंने ऐसे छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। बॉइल वाटर में रिफाइंड ऑयल डालकर नूडल्स को बॉइल कर लीजिए। ध्यान रहे, नूडल्स को बीच बीच में चलाते रहिएगा फॉर्क से, जिससे कि वो चिपके नहीं। नूडल्स का पानी निकालने के बाद थोड़ी देर उसको ड्राई होने दीजिए। फिर प्री हीट ऑयल में नूडल्स को थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लीजिए। फिर एक कढ़ाई में एक स्पून कुकिंग ऑयल डालिए। फिर उसमें प्याज, गार्लिक के पीसेस और काली मिर्च डालकर थोड़ी देर के लिए सॉटे कीजिए। अब देखिए, इसमें मैंने कैबेज और शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर। शेजवान चटनी डालने के बाद दो से ढाई कप पानी ऐड कर दीजिए। अब आधा कप पानी में दो चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालकर मिक्स तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्स को और टमाटर सॉस को इसमें ऐड कर लें। ध्यान रहे, टमाटर सॉस थोड़ी ज़्यादा लें टेस्ट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक कर लीजिए। फिर इस ग्रेवी को नूडल्स के ऊपर डालकर सर्व करें। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।